तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर में स्थापित शिवधाम को चीन से मुक्त कराने एवं जन कल्याण की भावना को लेकर भारत तिब्बत समन्वय संघ के वर्तमान अध्यक्ष एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर भागीरथ कुमरावत द्वारा शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शिव मंदिरों में पहुंचकर अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण किया जा रहा है। शनिवार को रुद्राक्ष वितरण को लेकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 5 मई को जन्मदिन के अवसर पर नेपाल से बुलाए 1,51,000 रुद्राक्ष को शिवलिंग के आकार में पूजन अर्चन कर प्रकांड पंडितों द्वारा अभिमंत्रित किया गया था। कुमरावत ने बताया, जन कल्याण की भावना से 1,51,000 रुद्राक्षों का अभिषेक करने का संकल्प लिया है। रुद्राक्षों का अभिषेक होकर गांव-गांव और खरगोन नगर में रुद्राक्ष निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। 10 जून को रुद्राक्ष के महत्व को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का व्याख्यान भी शहर में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। भगवान भोलेनाथ का मंदिर होना चाहिए चीन से, ये संकल्प, और संकल्प को पूरा करने के लिए जन जन में जागृति लाने के लिए आप 1,51,000 रुद्राक्ष नेपाल से बुलाकर और उनका अभिषेक घर में कराओ, और अभिषेक होने के बाद फिर समाज में उनका निःशुल्क वितरण करो। इससे क्या है कि जन निवारण, जन समस्याओं का निवारण होगा, जन जन में खुशी आएगी, दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना, समाज में सुख समृद्धि लाना, ये अपने जन्मदिन का सार्थक प्रयोजन है। तो मेरे को गुरु जी की आज्ञा मानकर और मैंने 1,51,000 रुद्राक्ष बुलवाए, भेजने वाले ने भेज भी दिए, मैं तो नेपाल गया नहीं, फोन पर बातचीत हुई, वो 3-4 ट्रांसपोर्ट से बदल दिए। एक साल से भारत तिब्बत समन्वय संघ, ये एक अखिल भारतीय संस्था है, इसका मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दो राज्यों का अध्यक्ष हूँ, और भारत तिब्बत समन्वय संघ का काम है जो कैलाश पर्वत पर कैलाश मानसरोवर धाम है, भगवान शिव का मूल घर वहाँ है, तो उस मूल घर की मूर्ति के लिए चीन से, और उसको मैं कहता हूँ दुष्ट चीन से कैलाश मानसरोवर की मूर्ति के लिए वो काम कर रहा है भारत तिब्बत समन्वय संघ। जब मैं एक साल से उनकी बैठकों में और राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहा हूँ, मुझे ध्यान में आया कि ये जन जागृति बहुत आवश्यक है। अभी लोगों को बहुत कम पता है कि हमारे भोलेनाथ जी कम यहाँ खूब पूजते हैं भजते हैं, उनका मूल घर तो दुष्ट चीन के अंदर में है। तो मैंने एक संकल्प लिया, मेरे गुरु जी है महा, और वो संकल्प ये है कि भगवान भोलेनाथ का मूल घर कैलाश मानसरोवर में है और वो चीन के अंडर में है, इसलिए चीन से भगवान भोलेनाथ के मंदिर को मुक्त कराने के लिए 1,51,000 रुद्राक्ष का अभिषेक कराना और अभिषेक कराकर घर घर अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटना, ये मेरा उद्देश्य है। ये 4 चरणों में काम होगा। पहले चरण में मैंने रुद्राक्ष नेपाल से बुलवाए, दूसरे चरण में रुद्राक्ष का अभिषेक यहीं मेरे निवास पर कराया। लगभग समाज के विभिन्न वर्गों के 250 से अधिक जोड़े आए स्वेच्छा से और उनके द्वारा यह अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद में तीसरे चरण का काम 10 मई से यह अभी वितरण का काम चल रहा है, लगभग 2 महीने मुझे वितरण में लगेंगे, और चौथे चरण में बीच में वो आ रहा है पूजनीय उत्तम स्वामी जी, 10 जून को 10 बजे यहाँ खरगोन में पधार जाएंगे और 2.5 घंटे का उनका रुद्राक्ष का मानव जीवन में क्या महत्व है इस विषय पर व्याख्यान होगा। ऐसे 4 चरणों में यह काम पूरा होगा। मैं डॉक्टर भागीरथ कुमरावत, परसई कॉलोनी, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।